अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केबी टीवी 121 और मैं आपकी होस्ट शायदा। आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल कीमा। मैं आपको बताती हूँ कि उसको कैसे बनाना है। सबसे पहले हमने लेना है आधा किलो कीमा, उसको डाल देना है एक डेगची में। उसमें डालना है एक गिलास पानी और उसमें डालनी है एक चम्मच हल्दी का। इसको हम करते हैं मिक्स। उतनी देर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, मेहरबानी। अब हम इसको रखते हैं चूल्हे पे और फ्लेम कर देते हैं ऑन। अब हमने इसको पानी को खुश्क करना है। जब ये खुश्क हो जाता है तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक ग्लास पानी डाला है सिर्फ और इसको हमने खुश्क करना है। उतनी देर में कीमा बिल्कुल पक चुका होगा। चले अब हम बाकी चीज़ें तैयार करते हैं। हमारे कीमे का पानी खुश्क हो चुका है। एक गिलास पानी जो हमने डाला था वो खुश्क हो गया। अब मैं फ्लेम को कर देती हूँ बंद। इसको हम ऊपर से ढक भी देते हैं और अब हम एक लेते हैं पतीली ऑयल। फ्लेम कर देते हैं ऑन। अब हमने कीमे का जो है मसाला तैयार करना है। उसके लिए अभी मैं एक बार फ्लेम कम कर देती हूँ या बंद कर देते हैं। मैं आपको पहले मसाले बता लूँ। कीमे के मसाले के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च सजावट के लिए, 3-4। अगर बड़े टमाटर हों तो 3-4। मैंने 5 लिए हैं, छोटे छोटे हैं। ये एक्स्ट्रा मसाला, इसको खा लेते हैं। 2 अदद छोटे प्याज, थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि हल्दी हमने पहले भी डाली है जब हमने कीमा उबाला है। 1 पीस छोटा सा अदरक का, ये भी सजावट के लिए है। और नमक, सबसे पहले हमने डालना है पतीली में ऑयल। इसमें मैं डालती हूँ थोड़ा सा घी ऑयल। इसमें हम डाल देते हैं प्याज। ये ढाबा स्टाइल कीमा तैयार हो रहा है। अक्सर हम जाते हैं बाहर खाना खाने तो 10 मिनट में या ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगते हैं और सारा खाना आ जाता है। उन्होंने कीमा इसी तरह उबाल के रखा होता है, हल्दी डाल के। जो डिमांड करता है उस हिसाब से वो उतना कीमा डाल के जल्दी से तैयार कर देते हैं। अब हम इसको लाइट सा ब्राउन करते हैं। फ्लेम को मैंने ऑन कर दी है। मैं उतनी देर टमाटर का पेस्ट बना लेती हूँ जितनी देर ये फ्राई होते हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन वाली कुटी मिर्च। थोड़ी सी और डालते हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। ये गीली होती हैं इसलिए ज़रा मिक्स होने में टाइम लेती हैं। साथ ही हम डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। जो टमाटर मैंने आपको दिखाए थे बिस्मिल्लाह, उनका मैंने पेस्ट बना लिया था। इसको हम ज़रा 2-3 मिनट तक पकाते हैं। साथ हम डाल देते हैं हल्दी। हल्दी मैंने थोड़ा सा डाला है क्योंकि मैंने डाला था कीमे में भी हल्दी को डाला है। 1 चम्मच नमक मैंने डाल दिए। पानी मिक्स करते हैं। अब हम इसको भूनते हैं। अभी इसमें हमने काली अजवाइन और कलवंजी हमने डालनी है। मैं वो निकाल लूँ, उतनी देर ये भूनता है। मज़ेदार मसाला हमारा तैयार हो रहा है। मैं इसमें डाल देती हूँ अजवाइन और कलवंजी। मसाला
मसाला हमारा तैयार हो चुका है। देखिए उसने घी छोड़ दिया और बहुत ही खूबसूरत कलर दिख रहा है। टमाटर चार थे, चार पांच थे छोटे छोटे, उस वजह से वो कलर बड़ा प्यारा है। अब हम इसमें ये कीमा डालेंगे जो हमने पहले उबाल लिया था। इसमें सिर्फ एक छोटा सा चम्मच हल्दी का डाला था और एक गिलास पानी डाला था। अब मैं इसको डाल दूंगी हमारे मसाले में। अब ये दो मिनट बाद हमारा कीमा तैयार हो जाएगा, ढाबा स्टाइल कीमा। इसमें मैं अब पानी नहीं डालूंगी क्योंकि ये तो पहले का पका हुआ है। और अब मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बार बार बच्चों की तरह कहना पड़ता है सब्सक्राइब करें, अच्छा नहीं लगता, जल्दी से कर लें। मैं अब इसको सिर्फ दो मिनट और पकाती हूँ। दो मिनट हो गए, अब मैं इसमें डाल देती हूँ धनिया। धनिया डाल के हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हम इसको उतार लेंगे और फिर हम मंगवाएंगे कॉटन की रोटी तंदूर की और उससे खाएंगे। अब मैं इस पर डालती हूँ हरी मिर्च और अदरक। हरी मिर्च और अदरक, फ्लेम हम बंद कर देते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं। कीमा पक चुका है और खूबसूरत धनिया के दो पत्ते। चलो चलो नीचे चले चले। अब इजाज़त दीजिए, सालन हमारा तैयार हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।